आई एम एक्सप्लेनिंग चेन मैकेनिज्म. अभी मैं बात कर रहा था चेन मैकेनिज्म का, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. तो पार्टिकल्स पता चल गया, एटम पता चल गया, वेंट टू वॉर मोर डस्ट के जो छोटे छोटे कण होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं तो पार्टिकल्स फॉर्मेट करते हैं, और वेंट टू और मोर पार्टिकल्स कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म एन एटम. अब इससे आगे का देखते हैं. तो when two or more atom combine together to form molecule, क्या बनाते हैं? Molecule. और when two or more molecule combine together, they form element. आगे फिर प्रोसेस ऐसे चलता है. Next, when two or more element combine together टू फॉर्म एन कंपाउंड, एंड वेन टू और मोर कंपाउंड मिक्स टूगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. ये भी एक कंपाउंड का टाइप ही है, बट ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं. तो अब ये प्रोसेस देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ये 6 जो टॉपिक्स हैं इनको एक दूसरे के सहारे हम इन्हें बता सकते हैं. हाउ? व्हेन डस्ट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स, व्हेन पार्टिकल्स टू और मोर पार्टिकल्स एडेड विथ टू फॉर्म एटम, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एलिमेंट, व्हेन टू और more element combined together to form an compound, and when two or more compound combined together to form a complex compound. अब element, यहां पे element में हम ले लेते हैं आपका hydrogen, और दूसरा जो element है आपका एक तरीके से oxygen. अब ये दोनों आपस में जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O, जिसे आप क्या बोलते हो? वाटर. सेम ऐसे ही कार्बन और आपस में ऑक्सीजन डाई मॉलिक्यूल्स में आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड. These two compounds are